डॉक्टर मीर जवाद जार खान चेयरमैन जर्मेंटन हॉस्पिटल को 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मेंटन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मेंटन हॉस्पिटल अतापुर हैदराबाद। आइए नाजिन, अगली बड़ी ही मजेदार और बड़ी ही दिलचस्प खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि हमारे देश में होने वाले इलेक्शन को लेकर है। कुल मिलाकर जो है नवंबर के महीने में 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। इन 5 स्टेट में जो है अगले महीने में इलेक्शंस होने वाले हैं। बड़ी ही खुशखबरी वाली बात है, कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो है बड़े बड़े सियासतदान आएंगे। थोड़े दिन के लिए ही सही, पल भर के लिए ही सही, आवाम बादशाह बनने वाली है, क्योंकि आवाम को आएंगे, सलाम मारेंगे, पेटी मुंडी डालेंगे, अम्मा अम्मा, बहन बेटी कहेंगे, भाई कहेंगे, और गली गली फिरकर जो है फूल पहनेंगे, फूल पहनाएंगे, इतने फूल पहनाएंगे, इतने फूल पहनेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब बहरहाल उसी तरह जो है और भी सियासतदान आएंगे, नमस्ते अम्मा, नमस्ते तल्ली, नमस्ते तंद्री कहेंगे और आपसे वोट मांगेंगे। तो बहरहाल जो है कुछ दिन के लिए ही सही, आवाम बादशाह बनने वाली है। यूँ तो जो है हमारे देश के कानून के हिसाब से MLA हो या MP हो, ये आवाम के नौकर होते हैं। शायद इस बारे में हर किसी को नॉलेज होगी, यानी इल्म होगा। इल्म रखते हुए भी ला इल्म बनते हैं हमारे देश की जनता। जनता को बाखूबी पता है कि ये जो है हमारे सेवक है, ये इलेक्शन में ठहरते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, जीतने के बाद इनका काम है आवाम की सेवा करना। लेकिन हमारे देश के दस्तूर के हिसाब से कुछ अलग ही इनको समझा जाता है। इन लोग को जो है, सियासतदानों को जो है, बादशाह का खिताब दिया जाता है। वो बादशाह है और हम प्रजा है। बहरहाल बादशाह जो चाहे वो करेगा, आवाम इस तरह का जहन बना लेती है। तो बहरहाल अब आवाम की मर्जी है, आप चाहे उनको बादशाह समझे या चाहे आप उनको नौकर समझिए। तो बहरहाल जो है जिन 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। नवंबर की 7 तारीख को इलेक्शन होने वाला है मिजोरम में। तो बहरहाल मिजोरम में 7 तारीख को इलेक्शन होगा और उसके साथ ही साथ जो है छत्तीसगढ़ में भी एक फेज का इलेक्शन 7 तारीख को ही होगा, फिर दूसरे फेज का इलेक्शन 17 तारीख को होगा छत्तीसगढ़ में। और अब बात करते हैं हमारे देश के बड़े स्टेट की। राजस्थान में जो है नवंबर की 17 तारीख को इलेक्शन होगा और वहीं पर जो है मध्य प्रदेश, जो कि और भी एक बड़ा स्टेट है हमारे देश का, मध्य प्रदेश में जो है नवंबर की 23 तारीख को इलेक्शन होंगे। और साथ ही साथ ये भी खुशखबरी आपको दे दे कि दिसंबर की 3 तारीख के दिन रिजल्ट आउट हो जाएगा, यानी गिनती हो जाएगी। 3 तारीख के दिन जो है 5 स्टेट के रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो बहरहाल जो है अब ये टाइम है सियासतदानों को हार्डवर्क करने का, यानी अब जो है दिन हो या रात इनको फिरना पड़ेगा, आवाम के सामने जाकर आवाम को समझाना पड़ेगा। डेवलपमेंट वर्क के इनॉग्रेशन होंगे और वहीं पर आवाम खुश भी हो जाएगी कि अब जो है हमारे काम हो रहे हैं, हमारे काम बन रहे हैं। तो बहरहाल महीना दो महीना जो है आपको ये खुश करते जाएंगे और महीना दो महीने के लिए आप भी खुश होते रहिए। फिर उसके बाद ये हार्ड वर्क करेंगे, इतना हार्ड वर्क करेंगे एक दो महीने के लिए कि जिसकी हद नहीं। उसके बाद ये थक जाएंगे, थकने के बाद कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई लंदन चले जाएगा, कोई तुर्की चला जाएगा, कोई यूरोप जाएगा छुट्टी मनाने के लिए, क्योंकि दिन रात रात दिन ये काम करते हैं। उसके बाद जो है थक जाते हैं, छुट्टी मनाकर फिर वापस आएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी दिसंबर की 3 तारीख के दिन कौन सी पार्टी अपनी हुकूमत बनाएगी। खैर, हर किसी की अपनी अपनी तमन्ना है, अपनी अपनी ख्वाहिश है कि कोई कहता है कि ये पार्टी आए, कोई कहता है कि वो पार्टी आए। बोला जो भी पार्टी हो हमें उससे क्या, हमारा काम है वोट डालना और जो है रिजल्ट का वेट करना। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर, खासकर इलेक्शंस को लेकर। तैयार हो जाइए, होशियार हो जाइए। हर सियासतदान, हर सियासी पार्टी का सियासतदान जो है अपने अपने एरिया के चक्कर लगाना शुरू कर देगा। खूबसूरत मंजर देखते रहिए, मजे लेते रहिए, हो सका तो फूल भी पिनाइए। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। खुदा हाफिज़। जर्मेंटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के मुताबिक जर्मेंटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।